प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन कानों को जरा समझने कि भगवान ने ये कान किस प्रकार बनाए। हमारे देखने की एक लिमिट है, हम एक समय एक तरफ देख सकते हैं, या सामने या पीछे या दाएं या बाएं, पर सुनने की लिमिट नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय पे चारों तरफ से हम सुन सकते हैं, कोई पीछे से आवाज़ दे, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई ऊपर से, सुनने की लिमिट नहीं। आंखें बंद कर लो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। भगवान ने कान इस प्रकार बनाए हैं कि बंद कर ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को अगर समझ लेना साथ संगत जी, आंखों से जरूरी कान है। अब ध्यान से बात को समझिए, यह प्रकरण है, ये शब्द सुनेंगे वाणी अंदर जाएगी तो देह अरोग होगी, उसका फल है। जिनकी आंखें नहीं है वो तो सुन सकते हैं, जिनके सुनाई ही नहीं देता वो क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कान आंखों से भी ज्यादा जरूरी है सुनना। सुनना किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना बड़ी प्यारी घटना है। अनंतपुर साहब के किले में पहरेदार पहरा दे रहे हैं, बैसाखी का मेला आ गया, जो अभी अभी बैसाखी गई है ना, अनंतपुर साहब में मेला लगा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं किले में, ड्यूटी होती है पहरेदारों की। उनका मन कर रहा है कि जाकर मेला देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपस में विचार कर रहे हैं कि चलो जाकर थोड़ी देर मेला देखाते हैं, यहाँ पर कौन आने वाला है हमें चेक करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे पहरेदार कहने लगे, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो सजा मिलेगी, शर्मिंदा हो जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। आपस में विचार चल रही है, काफी देर तक कश्मकश में रहे। आखिर में कुछ पहरेदार मेला देखने चले गए और कुछ पहरे पर रुक गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो मेले में चले गए, वो हैं तो मेले में, पर उनका मन यही सोचकर डर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर पीछे से आ गए तो हमारा क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो पहरे पर खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि काश हम मेले में चले जाते, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए तो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह ने सारे पहरेदारों को अपने पास बुला लिया और उस वक्त ये पंक्तियां उच्चारण की, हाजिर गैर हाजिर और गैर हाजिर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो पास में खड़े सेवादार ने पूछा, पातशाह बात की समझ नहीं आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, जो पहरेदार पहरा छोड़कर मेला देखने गए, उनका शरीर तो मेले में था पर पहरे पे था, इसलिए उनकी हाजिरी लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गैर हाजिर है ड्यूटी से, उनकी हाजिरी लग गई क्योंकि उनका मन वहां पर था, और जो ड्यूटी दे रहे थे पहरे पर, उनकी हाजिरी नहीं लगी क्योंकि उनका मन मेले में था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को गहराई से समझिए, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे तन यहाँ पर हैं, अगर हमारे तन यहाँ पे होते हुए हमारा मन घर पे या दुकान पे है तो हाजिरी नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह वाणी, यह कीर्तन, यह शब्द उन्हें पर असर करेंगे जिनका मन भी यहाँ पर शामिल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव, मन में भावना भी हो और मन यहाँ पर हो, गाने में हो, सुनने में हो, फिर दुख पर हर दुख यहाँ पर रख जाओगे और सुख घर ले जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।